गुड मॉर्निंग एवरीवन हमने हमारे पिछले लेक्चर में सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ़ ज्यूरिस्ट स्टूडेंट्स के ज़ूरिस एलरिक को डिस्कस किया था एलरिक ने हमें टर्म दिया था लिविंग लॉ जिसका मतलब होता है कि सोसाइटी में जो लोग डीलिंग करते हैं आपस में वो लॉ से अफेक्टेड होती है और उन्होंने सोसाइटी को मेन सोर्स माना था लॉ का आज के हमारे लेक्चर में हम सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस प्रूडेंस के नेक्स्ट जूरिस हायरिंग का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे को फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल स्कूल कहा जाता है आयरिंग ने एनालिटिकल स्कूल एंड सोशोलॉजिकल स्कूल को कंबाइन कर दिया था और इन्हीं की इसी फिलोसफी को ज्यूरी ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है मतलब आयरिंग ने एनालिटिकल स्कूल एंड सोशोलॉजिकल स्कूल दोनों को कंबाइन किया और इसकी इनकी इन फिलॉसफी को जूरी ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है आइरिंग का मानना है कि लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सो अकॉर्डिंग टू आयरिंग लॉ इज़ द गारंटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड कंडीशन ऑफ लाइफ मतलब आयरन के हिसाब से लॉ क्या है कि गारंटी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड कंडीशन ऑफ लाइफ कि वो लाइफ की कंडीशंस और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा वो ह्यूमन बीइंग्स के कंडीशंस और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और जो ये राइट्स हैं ये स्टेट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं तो आयरिंग की जो सोशल इंटरेस्ट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसे सिचुएशन आए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ऐसी सिचुएशन में सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा मतलब कि इफ़ देर इज़ ए सिचुएशन वेर कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट सो इन दैट सिचुएशन सोशल इंटरेस्ट शैल बी प्रोटेक्टेड तो स्टेट ऐसे अब वो सोशल इंट्रे, इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा तो इसके लिए स्टेट ऐसे लॉ बनाएगा जिसे पूरी की पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके तो आयरिंग के अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी में हैप्पीनेस होगी तो इंडिविजुअल भी खुश रहेगा इन अदर वर्ड्स सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने से हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट अपने आप ही अचीव हो जाएंगे सो लॉ इज़ द मीन्स टू अचीव सोशल इंटरेस्ट सो अपनी थ्योरी में आयरिन ने सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कंपैरेटिवली टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू हिम अगर सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा और उन्होंने लॉ को एक मींस माना है जिसके थ्रू हम सोशल इंटरेस्ट सोसाइटी के अंदर अचीव कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू